विलक्षण महापर्व की श्रृंखला में आज क्षमावाणी का महामांगलिक महामहिमामय पर्व है। इसका स्थान दशलक्षण महापर्व के अंत में रखा गया है। इसका कोई कारण होना चाहिए। क्षमा से ही दशलक्षण महापर्व का प्रारंभ होता है और क्षमा से ही क्षमावाणी दिवस पर उसका समापन होता है। ऐसा क्यों है? क्षमा तो दशलक्षण महापर्व का पहला दिवस कहलाता है। यद्यपि वो पहला दिवस नहीं पर त्रैकालिक है, तो भी पहले दिवस की अपेक्षा उसका पहला नंबर और क्षमावाणी पर उसका समापन दिवस। क्षमा कोई इन सारे ही धर्मों में व्याप्त सारे ही धर्मों में व्यापक कोई अद्भुत महिमाकार पर्व अर्थात तत्व होना चाहिए, महिमामय तत्व होना चाहिए। क्षमा सचमुच पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी जैसा ही क्षमा तत्व का स्वरूप है। तो पृथ्वी पर तो हम देखते हैं न मालूम कितनी भीषण और भयंकर घटनाएं पृथ्वी की छाती पर होते हुए भी पृथ्वी आह नहीं करती। ठीक इसी तरह पृथ्वी जैसा जो क्षमा तत्व है वो महागंभीर महाधीरज वाला और सदा ही केवल अपने अचल सुमेरु जैसे चैतन्य तत्व पर जिसकी स्थापना होने के कारण चाहे कितनी ही कही जाने वाली विपत्तियां संकट प्रलय ये घटनाएं आत्मा के साथ बीते
तो भी आत्मा आह नहीं करता। आह कौन करता है? आह तो वह पर्याय करती है कि जिसने उस अचल हिमालय जैसे चैतन्य तत्व को नहीं देखा और उसके साथ अपनत्व नहीं किया, वो आह करती है क्या करूं, क्योंकि उसको कोई ऐसा अवलंबन नहीं है। जगत में तो ऐसा अवलंबन है ही नहीं, और जगत का विधान है कि कोई किसी को अवलंबन सहारा सहयोग देने वाला नहीं। क्यों दे? नहीं देता है, उसका कारण है कि कभी किसी का नाश होता ही नहीं, तो कौन किससे अवलंबन ले और दे? होता है नाश जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें किसका नाश होता है? और ये अनादि से अनंत अनंत हैं, गिने नहीं जा सकते, सीमा नहीं है इनकी, फिर भी सृष्टि का कुदरत का जटिल नियम यह है कि इन छह द्रव्य रूप जो अनंतानंत पदार्थ हैं उनमें न तो एक बढ़ता है और न एक घटता है, अनंत काल में अनादिकाल से लेकर अनंत काल जितने हैं उतने ही रहते हैं, जो है उसमें से एक का भी कभी नाश नहीं होता, और जो नहीं है आकाश कुसुम की तरह आकाश के फूल की तरह बंध्या के पुत्र की तरह उसका कभी उत्पाद नहीं होता। पर्याय हैं वे पर्याय उसी द्रव्य में जिसकी वे होती हैं, जिसके भीतर वे पैदा होती हैं, उसी में समुद्र की लहरों की तरह उत्पन्न होती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं, और सागर ज्यों का त्यों बना रहता है। तो हीना दिखता कहां हुई? सचमुच तो द्रव्यों की बात तो काफी महान है, काफी बड़ी है ही सही, पर्याय में अनादि को लेकर भविष्य को देखें तो अनंत तो हुई है और भविष्य में अनंतानंत होने वाली हैं, लेकिन जितनी होने वाली हैं उतनी होंगी पर्याय भी, और द्रव्य ज्यों का त्यों बना रहेगा। ऐसा अद्भुत कितना मनमोहक है विश्व का स्वरूप जो जैन दर्शन ने देखा, अपने ज्ञान से जिसका अनुसंधान किया, वह विश्व का स्वरूप कितना मनमोहक है। ऐसे विश्व के स्वरूप के सदा ही रहने पर काल क्रम में ये महापर्व आते हैं और चले जाते हैं,
लेकिन महापर्व इन दिनों को नहीं कहते ऐसे। क्यों पर्व पवित्र को कहते हैं तो दिन भी पवित्र होता है। कहा जाता है ये पवित्र होता है। जो दिन है वो तो काल के समयों का समुदाय है। काल द्रव्य है, उसकी सबसे छोटी एक क्षण की पर्याय को समय कहते हैं। और वो द्रव्य भी शुद्ध होता है और पर्याय भी शुद्ध होती है, सदा ही, हमेशा ही। अब आज का दिन बड़ा मलिन, गंदा, दुर्भाग्यशील और आज का दिन बड़ा पवित्र, ये बात कहने की है या मानने की है? इसलिए पर्व वास्तव में 10 दिन रूप कहे जाते हैं तो भी उन पर्वों में चलने वाले हमारे जो पवित्र परिणाम हैं वो 10 लक्षण पर्व। एक एक व्यक्ति का अपना अपना, एक 10 लक्षण नहीं होता। जितने जैन हैं, दिगंबर जैन और जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के तत्व को सुना है और जाना है, ज्ञान ने दिशा ली है उस शुद्ध चैतन्य की ओर और उस शुद्ध चैतन्य के अवलंबन से परिणामों में जो विशुद्धि और पवित्रता आती है उसको प्रत्येक जीव का 10 लक्षण पर्व कहते हैं। सब जीवों का मिलकर 10 लक्षण पर्व नहीं होता, क्यों सब न्यारे न्यारे और उन सबके न्यारे न्यारे परिणाम वो नहीं होता। कहने के लिए उस पर्व का आज क्षमावाणी के रूप में अंतिम दिवस है, जिसको विश्व मैत्री दिवस भी कहा जाता है। ये लोक व्यवहार है, उसको बढ़ावा देने के लिए और कि हम जैन हैं, हमारा विश्व के हर प्राणी के प्रति मैत्री भाव है, सत्वेषु मैत्री, समस्त जो अनंत जीव हैं उनके प्रति हमारा मैत्री भाव है, स्नेह भाव है, प्रेम भाव है, प्रीति भाव है, ऐसा जगत को बताने के लिए कहा जाता है। कहते हम लोग इतने दूषित परिणाम वाले नहीं होते, जैन कहे जाने वाले, दिगंबर जैन कहे जाने वाले लोग दूषित परिणाम वाले नहीं होते। हिंसा से दूर रहते हैं, झूठ से दूर रहते हैं, चोरी से दूर रहते हैं, कुशील और परिग्रह से, इन 5 पापों से दूर रहकर विश्व के जीव मात्र के प्रति जिनके हृदय का, जिनकी कोमलता का, जिनके स्नेह का पसारा है, कहते वो दिगंबर जैन होता है व्यवहार से, निश्चय से नहीं।
निश्चय से तो सचमुच देखा जाए तो जगत के सारे प्राणियों के प्रति मेरा मैत्री भाव है, मेरा क्षमा भाव है, सबके अपराध मेरे लिए क्षम्य हैं और मैंने किसी के प्रति अपराध किया हो तो वो मुझे क्षमा करे, यह बात सुनने में बड़ी मधुर लगती है, बहुत मीठी लगती है, लेकिन जब ज्ञान की प्रयोगशाला में इस तथ्य का अनुसंधान किया जाता है, इसका टेस्टिंग किया जाता है, टेस्टिंग तो जीरो निकलता है। बोले न किसी ने को क्षमा किया और न किसी ने इसको क्षमा किया, क्या विचित्र है बात। सारे जगत में तो धूम मच रही है और ये क्या विचित्र बात। क्या है उसका उत्तर, क्या है उसका? बहुत गंभीर अच्छी बातें हैं, बहुत सुंदर बातें हैं, बहुत अच्छी अनुसंधान करते हैं ना वैज्ञानिक। ये अनुसंधान नहीं कि सारा जगत जो मानता है क्षमा का आदान प्रदान, और जैन दर्शन भी अपनी प्राथमिक भूमिका में सामान्य व्यवहार में क्षमा का आदान प्रदान करता रहा है, क्षमावाणी के अवसर पर और वैसे भी, लेकिन क्षमा का आदान प्रदान नहीं होता ऐसा मानकर उस प्रकार का परिणाम करे तो उसका नाम व्यवहार क्षमा है, वास्तविक क्षमा नहीं है। पहले उस प्रकार के विशुद्ध परिणाम आते हैं, उसमें ये सारी बातें आदान प्रदान की चलती हैं, उत्पन्न होती है। प्रथम ये भाव आते हैं ना मंद कषाय शुभ भाव में, मुझे सारा जगत मैत्री में सब भूयेषु वैर मध्यम न केणई, मेरी सारे विश्व के प्रति मैत्री है, मेरा किसी के प्रति वैर नहीं है। लेकिन सबसे पहले तूने ये जाना है या नहीं कि जगत का प्रत्येक जीव अपने द्रव्य में, अपने गुण में और अपनी पर्याय में बिल्कुल स्वाधीन है, पर्याय से भी वो किसी के साथ कल्पना में भले ही जुड़ा हो लेकिन ये क्षमा भाव के द्वारा जुड़ना और उसको अलग थलग नहीं मानना, अपने आप को भिन्न नहीं मानना, तो क्षमा के द्वारा जुड़ना भी मिथ्या भाव है। और नहीं, और जुड़ने के लिए पाप छोड़ा, हिंसा छोड़ी, झूठ छोड़ा, ये सब छोड़े तो क्षमा में से जुड़ गया, क्षमा को मानकर और अन्य के साथ जुड़ा ना, मैंने उनको क्षमा किया और वे भी मुझे क्षमा करें, ये संबंध हुआ कि नहीं। और संबंध मात्र का यहां पर निषेध है, समय सार जैसा परम पावन परमागम कहता है, दोसों कलश में नास्ति सर्वोपि संबंध है, इसमें कुछ बचा क्या? कोई संबंध नहीं है,
ये वास्तविक बातें हैं। ये क्षमा का प्रारंभ यहां से होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ऐसा मान लेंगे तो फिर ये क्षमावाणी पर्व कैसे मनेगा। संध्या को सब लोग इकट्ठे होंगे, क्षमा करना मुझे आप, वो कहते हैं हमको आप क्षमा करना, ये सब बंद हो जाएगा। ये अभी तो तुम जिंदे हो ना, बंद कैसे होगा? अभी तो तुम्हें संसार में रहना है भाई, और अज्ञान को लेकर रहना है। तुम वास्तविक स्वरूप जानना ही नहीं चाहते हो, तुम तो इस व्यवहार को जिंदा रखना चाहते हो, तो ये बंद कैसे हो जाएगा? और ऐसे अनंत प्राणी अनंतानंत काल तक इस विश्व में रहने वाले हैं, इसलिए चिंता मत करो कि क्षमावाणी का ये व्यवहार बंद होगा, बंद नहीं होगा। और चलना चाहिए, यहां भी कोई इनकार करते नहीं है। अरे सारा ही बंद हो जाए तो लोग कहना ही बंद कर देंगे कि क्षमा कर दें, क्योंकि वो परिणाम पर्याय में वो मंद कषाय का भाव तो आना चाहिए ना? और मंद कषाय का भाव न आवे, क्योंकि वो तो बहुत औपचारिकता है। क्षमावाणी पर्व में हम जो क्षमा का आदान प्रदान सब मिलकर हजारों लोग जो आदान प्रदान करते हैं, वह मोटी औपचारिकता है, मोटी औपचारिकता फॉर्मेलिटी। उसमें अधिकांश भाइयों के परिणाम भी नहीं बनते, और वास्तव में जो अपराध किया है जिसके प्रति, उस अपराध का वो नाम ही नहीं रहता है, बस मुझे क्षमा कर। सचमुच तो व्यवहार भी तब हो जब इसका जो परिणाम है वो मौम बन जाए, पिघल जाए, एकदम कोमल हो जाए। कोमल होकर ये बोले, अरे अरे चैतन्य स्वरूप परमात्म द्रव्य, तूने इतना पवित्र होकर ऐसा अपवित्र काम क्यों किया, और उस जीव को विषय क्यों बनाया तू उस अपवित्र परिणाम के द्वारा? ये तो तेरा काम नहीं है तीन काल में, ऐसा सोचकर। और चूंकि अभी राग शेष है, राग के हैं ये सारे काम, क्षमावाणी पर्व कोई सारे ही लोग वीतराग भाव का स्वरूप जानते हों, ऐसा है नहीं, नहीं है ऐसा। उसका स्वरूप जाने बिना व्यवहार क्षमा भी वास्तव में नहीं होती, फिर भी बंद करने लायक नहीं है, करना चाहिए। लेकिन उसमें इतना सुधार तो हो कि जिसके प्रति हमने अपराध किया है, तो उसके प्रति कषाय बैठी रहे भीतर, भीतर तो कषाय बैठी रहे कि सचमुच अपराध तो इसका था। लेकिन फिर भी क्षमा तो मांगना पड़ेगा ना, क्षमावाणी पर्व है इसलिए, तो वो क्षमा मांगता है, क्षमा करना था। तो इसका परिणाम भी पवित्र नहीं रहा, थोड़ा भी विशुद्धि भी नहीं आई, क्योंकि ये तो यह मान रहा है कि अपराध तो इसका था। तो पहले फैसला ये होना चाहिए कि अपराध किसका है। वो कह रहा है कि इसका अपराध था, उसका अपराध था, या वास्तव में किसी दूसरे का अपराध होता ही नहीं, दूसरा अपराधी
होता ही नहीं, तो अपना अपराध कैसे हुआ? कि हम इसलिए सदैव हम इसलिए अपराधी हैं कि उसका हमको संयोग हुआ, तो ये उदय हमारा था या उसका था? हमारे कर्मोदय से था ना, हमारे कर्मोदय से वो संयोग हुआ और हमारे परिणामों में शांति स्थिरता नहीं रही, इसलिए वो वार्तालाप हुआ, इसलिए वो उस प्रकार का कटु व्यवहार हुआ, हमारे परिणामों में नहीं रही। अगर हमारे परिणामों में शांति कोमलता और इस प्रकार का अत्यंत करुण भाव अगर रहता तो वो एक ओर से कटु भाषा बोलता, गालियां भी देता, तो वो तो निर्जराई होती, वो तो यूं ही जाती, उससे वो हमारे पास ही नहीं आते। हम अपने परिणाम को ज्यों का त्यों स्थिर रखते, मतलब कोई अपराध, कोई किसी का अपराध करता ही नहीं है ना, होता ही नहीं। एक दूसरे के द्वारा, एक दूसरे के प्रति कोई कार्य नहीं होता, ऐसा कुदरत का जटिल कानून है। कुदरत का होता ही नहीं, एक परमाणु एक तिनका नहीं टूटता, हम अंगुली नहीं हिला सकते, अंगुली हिला दे तो सुमेरु को हिलाना पड़े। ये जटिल नियम है कुदरत का, बड़ा सुंदर है। यदि क्यों ऐसा क्यों हो, एक पदार्थ के द्वारा किसी दूसरे पदार्थ का कार्य हो तो क्यों हो? क्या वो पदार्थ पंगु है? क्या उस पदार्थ में शक्तियां नहीं है? तो जब उस पदार्थ पूरा अनंत शक्तिमय है, वो अपना काम करे और तुम अपना काम करो, ऐसा सुंदर नियम है। इसमें कहां कहां जगत में अशांति की गुंजाइश है? गुंजाइश एक ऐसा नगर हो जिसमें सारे ही समृद्धिशाली लोग हों, सारे ही सबके पास अपनी पूरी पूरी सामग्री हो, सब अपने अपने बंगलों में रहते हैं, वहां से निकलने की कोई गुंजाइश नहीं, इतनी सामग्री सारी अपने भीतर ही मिलती, वहीं स्विमिंग पूल तैरने का, वहीं सब ऐसी बंगले जिनमें गर्म और ठंडी हवा भी नहीं जाती, बताओ उसमें क्या शांति होगी उस नगर में? अगर राजा भी नहीं होते तो क्या शांति होगी? यहां कोई राजा नहीं, सब राजा हैं, सब सम्राट हैं, सब परमेश्वर हैं। ऐसी परमेश्वरी व्यवस्था में पराधीनता का नाम निशान न होने के कारण सचमुच क्षमा नाम की जो चीज है उसका आदान प्रदान नहीं होता, तो भी जीव को अपनी भूमिका के अनुसार राग विद्यमान रहता है, और ये क्षमा मांगने और क्षमा करने की तरंगें उस राग से पैदा होती, उस राग के परिणमन है, तो तब तक होंगे। इसलिए इस भूमिका में क्षमावाणी पर्व भी विशुद्ध भावों से मनना चाहिए, पर विशुद्ध भावों से, जिसके प्रति हमारा अपराध हुआ हो उसके चरणों में पड़ जाओ, मेरी बहुत बड़ा अपराध मेरा हुआ है, नहीं हुआ हो तो भी पहले न मालूम कितने अपराध प्रत्येक प्राणी के प्रति हम करके आए हैं, इसलिए अवश्य अवश्य क्षमा का आदान प्रदान व्यवहार के रूप में वास्तविक न मानकर
होना चाहिए। और क्षमा का, ऐसी क्षमा का, व्यवहार क्षमा का प्रारंभ भी कहां से हो? यानी समाज का जो क्रम है वो तो दूसरे नंबर पर है। पहला जो क्रम होता है वो तो हमारे परिवार का है। तो परिवार में यदि इस प्रकार का व्यवहार प्रतिदिन 12 महीने और जीवन भर यदि होता है तो वो व्यवहार क्षमा का एक औपचारिक रूप है। और यदि परिवार में नहीं होता और हम समाज में हजारों लोगों में क्षमा मांगते फिरते हैं, क्षमा करते फिरते हैं, तो वो क्षमा का जो आयोजन है वो वास्तव में हमारी ओर से तो नहीं है। परिवार में ऐसी व्यवस्था है? कोई ऐसा भाग्यशाली परिवार नहीं है, ही नहीं तो है ही नहीं। जब परिवार में नहीं होता है, जहां रात और दिन हम रहते हैं, रात और दिन जहां महान अपराध, दोष, कलंक ये होते रहते हैं एक दूसरे के प्रति, मन वचन और काय से, वहां अगर हम ये व्यवहार नहीं करते तो फिर ये जन समुदाय के सामने ये व्यवहार करना, ये एक नाट्य हुआ या नहीं हुआ, दिखावा हुआ या नहीं हुआ, या वास्तविक हुआ, क्या हुआ? इसलिए सबसे पहले तो परिवार से ये बात प्रारंभ होना चाहिए। हमको तो अगर कहा जाए तो क्या कहते, शर्म आती है, शर्म आती है। अपराध करता है एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार नहीं, सौ सौ बार, हजारों बार, लाखों बार एक ही अपराध दोहराया जाता है, और उसके लिए एक बार भी क्षमा का वचन अगर हमारे मुंह से नहीं निकलता तो हम तो कोई लोहे के बने हुए पुरुष हैं कि जिसमें कभी भी विशुद्ध भावों का प्रवेश नहीं हो सकता। तो है ये व्यवहार होता है, कहते हैं क्षमा वाणी को कर लेते हैं, सारा झगड़ा निमेट लेते हैं। क्षमा वाणी को सब झगड़ा पुराना साफ कर लेते हैं एक दिन। कहते हैं वो नहीं होता, वो भी नाटक है, नाटक परिवार का। अरे हृदय तो कोमल हो, हृदय की कोमलता के बिना, विशुद्धि के बिना, शुभ भाव पैदा हुए हे मानते हुए, शुभ भावों को हे मानते हुए, क्षमा का जो व्यवहार रूप है उसको हे मानते हुए, और शुद्ध चैतन्य को स्वीकार करते हुए, वो क्षमा का दल है, वो क्षमा स्वरूप है ऐसा मानते हुए, उसमें क्षमा का आदान प्रदान नहीं है ऐसा मानते हुए, और यह जो क्षमा का आदान प्रदान होता है तो यह वास्तव में इसमें सच्चाई होना चाहिए। और यदि ना हो, नहीं हुआ हो, अब तक नहीं हुआ हो, तो फिर आज से शुरू करना चाहिए। ये भी दस लक्षण पर्व की देन है ना। दस लक्षण पर्व का प्रदेय क्या, क्या दिया उसने हमको दस लक्षण पर्व? कहते हैं वो तो बहुत कुछ था उसके पास,
देने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो इतने कांटे बिछे हुए थे प्रदेश प्रदेश में कि जगह ही खाली नहीं थी। पापों के कांटे, कहां क्षमा का प्रवेश, व्यवहार क्षमा का प्रवेश भी कैसे होगा? इसलिए शुरू करना चाहिए। अरे क्षमा तो एक ऐसा शस्त्र है, शस्त्र नहीं बल्कि शस्त्र की उपमा तो थोड़ी भारी पड़ती है, लेकिन एक ऐसा ऐसा तत्व है भीतर पैदा होने वाला, आत्मा के भीतर आत्मा की पर्याय में पैदा होने वाला, यदि एक बार वह भीतर उत्पन्न हो जाए और वाणी से उसका प्रकाशन हो जाए, तो सामने अगर कोई तलवार लेकर भी खड़ा हो तो उसकी तलवार गिर जाती है। ये ताकत किसकी है? उसकी तलवार गिराई उसने, उसने ये कहा तलवार लेकर आता है मेरे सामने, ऐसा बोला? क्या बोला? मुझे क्षमा करना। हो गया, गिर गई तलवार, और अब भविष्य में आपके प्रति ऐसा कार्य, ऐसा दुष्कर्म मैं नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करें। इनसे जीवन में विशुद्धि का आविर्भाव होता, जीवन में शुभ भावों का, कषाय मंद होती है, कषाय पर क्षमा का भाव जलती हुई आग पर जैसे पानी गिरता है, इस तरह पापों की जलती हुई आग पर जैसे ये क्षमा का ठंडा शीतल जल डालना चाहिए, चाहे वो अपने भीतर हो, क्योंकि अपने चैतन्य से भी क्षमा मांगी जाती है। अरे मेरे चैतन्य, अरे मेरे पवित्र परमात्मा, मैंने तेरा स्वरूप अब तक नहीं जाना, और इसी कारण से, केवल इस एक ही कारण से विश्व में मैंने महान महान अपराध किए। तो ये जो व्यवहार है क्षमा का, पसंद आती है क्या बात? पसंद तो आती है, लेकिन क्या करें, शर्म आती है। अरे शर्म तो क्रोध है, क्रोध वो क्षमा नहीं है। क्षमा मांगने में जो शर्म है वो क्रोध है। इसको लगता है कि मैं तो भला आदमी हूं, सज्जन हूं, वो क्रोध है। वो तेरे पास वाणी है, तू निरंतर बोलता है, तूने अपशब्द बोले, उन अपशब्दों के स्थान पर तू सुंदर शब्द नहीं बोल सकता कि मैं क्षमा चाहता हूं और अब भविष्य में ये काम मैं नहीं करूंगा। तो साहब साल भर में कर ले कि उसी वक्त निपटाने में क्या झगड़ा है, उसी वक्त क्या झगड़ा है, उसी वक्त बोलो। अपने को टटोलते ही रहो, क्योंकि थूहर के कांटे प्रदेश प्रदेश में बिछे हैं, मिथ्यात्व और अनंतानबंदी के थूहर के कांटे प्रदेश प्रदेश में बिछे हैं, इसलिए अपराध होते ही हैं परिवार में भी। तो इसलिए उस अपराध होते ही, क्योंकि बहुत काम होते हैं ना गारस्य में, तो उनमें तुरंत बोलो, ऐ मातुश्री, ऐ मेरे पिताश्री, अरे छोटा बच्चा हो तो भी उसको भी सिखाओ, ऐ भैया मुझे क्षमा करना,
मैंने तेरा ऐसा अपराध किया, पत्नी से क्षमा मांगो, उसको वो अच्छी मत समझो, मेरे से तो नीची है, कैसे क्षमा मांगूं। कि तेरे से नीची है ये जो कथन है, इसमें तू नीच है और वो ऊंची है, इसलिए क्षमा के विशाल विश्वव्यापी क्षेत्र में कोई नीचा नहीं, कोई नीचा नहीं। और यदि अपराध है, ऐसा लगता हो कि हमने तो कोई अपराध वर्तमान में किया नहीं, फिर भी ये मेरे प्रति बहुत क्रोधित हो रहा है, मुझे मारने को तैयार है, तो कहते हैं ये दोषी है। तो दिगंबर जैन दर्शन बड़ा सुंदर समाधान देता है, बहुत सुंदर। कहते हैं वर्तमान में तूने इसको कुछ नहीं कहा, कोई चेष्टा इसके प्रति नहीं की, तो भी तू दोषी है, तू अपराधी है। अरे कैसी बात है, ये कैसा न्याय है आपका, कौन सी कोर्ट है ये आप कि मैं अपराधी हूं। तू अपराधी इसलिए है कि तेरे उदय के बिना ये काम हो ही नहीं सकता था, तैने पूर्व में इस प्रकार के पाप किए हैं, इसके प्रति तूने जरूर जरूर नीच कर्म और दुष्कर्म किए हैं, और उनका उदय अभी आया है तो उसने तेरे को ये शब्द कहे, तूने कुछ नहीं कहा तो भी वो अपराधी नहीं, तू अपराधी। अरे जगत में ढूंढने गया तो मेरे से बड़ा अपराधी कोई मिला ही नहीं। तो अपराधी अपराधी मानते रहें, क्या करें, इतना तो मानो पहले, सत्य है ये परम सत्य है बात, फिर कहां किसी पर, फिर देखो किसी पर क्रोध आएगा। अरे क्षमा का आदान प्रदान ये तो अगर हमारे परिणामों में हमारे ज्ञान में यह बात निश्चित हो जाए, हर प्रकरण में चाहे वर्तमान में मैं अपराधी नहीं दिखाई देता हूं तो भी अपराधी मैं हूं संपूर्ण रूप से, ऐसा नहीं कि थोड़ा वो है थोड़ा मैं हूं, मैं ही पूरा अपराधी हूं, ऐसा जिसने माना तो और दुनिया में क्रोध के निमित्त भी कितने कम हो जाएंगे, वो कहां तक क्रोध करता रहेगा। क्रोध तो विकार है, बुखार है, वो तो कम अधिक होता ही होता है, तो वो तो कम होगा ही होगा, तुम नहीं बोलोगे, कहते कह लो भैया तुम्हें जो कहना हो, मेरा ही अपराध। असलियत तो ये है, इसलिए परिवार से ये बात शुरू करें, तुरंत बोलें मुझे क्षमा करना, कोई भी हो कोई भी हो, लेकिन क्षमा का आदान प्रदान हमारे इस दशलक्षण पर्व का प्रदेय हो हमारे लिए। दशलक्षण पर्व ने हमको यह दान किया है और ये दान अमित है जब तक हम संसार में, इस तरह ये व्यवहार क्षमा के रूप हैं कि जो पहले कषाई की मंदता होकर, अरे भगवान जिनेन्द्र के पास आवे और कषाय रहित उस वीतराग
शांत प्रशांत मुद्रा को देखें और फिर उनको देखकर यह विचार आवे, इससे बड़ा पुरुष विश्व में नहीं है, महान पुरुष, पवित्र पुरुष। और ये वे पुरुष हैं कि जिन्होंने मुझे अपना शुद्ध चैतन्य निधानों का निधान वो मुझे बताया है। ये वे पुरुष हैं जिन्होंने मुझे मेरा अटूट भीतर पड़ा हुआ ध्रुव कोश बताया, ज्ञान और आनंद जैसी अनंत शक्तियों का कोश बताने वाले यदि जगत में कोई हैं तो ये भगवान अरहंत परमात्मा है। ऐसा दर्शन करने में इतना भाव आवे तो चार घंटा भक्ति करोगे ना, वो बात एक मिनट में हो गई। चार घंटे की भक्ति वाणी से की जाने वाली और ये मन से की जाने वाली ये भक्ति, ये है असली भक्ति। दर्शन असली है, इसको दर्शन कहते हैं भगवान। कभी आया विचार, कभी आया? आप ही जानो भगवान, मैं तो पापी हूं, मैं तो काला हूं, सफेद करना आपका काम, इसलिए साबुन आप लगाओ और सफेद करो। ये ऐसी उपलब्धियां हैं जो जगत के अनंत जीवों को उपलब्ध नहीं, और मनुष्यों की अपेक्षा ली जाए तो वर्तमान दुनिया में अरबों लोगों को उपलब्ध नहीं कि जो हमको उपलब्ध है। ये जीवन की सर्व महान उपलब्धियां हैं। मिली है किसी को? अरे जैन होकर भी न मिले, वो तो एक गुरुदेव पैदा हो गए कि जो क्षमा का वास्तविक स्वरूप बता गए और देवशास्त्र गुरु का वास्तविक स्वरूप बता गए। स्वरूप बता ही नहीं गए बल्कि वे उस स्थान पर थे जहां इन देवशास्त्र गुरु का पता भी नहीं था, वहां से चलकर वो सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास आए और अपने जीवन को धन्य कर लिया। ऐसा महान पर्व क्षमा का गुरुदेव ने मनाना सिखाया। किसको कहते हैं वास्तविक क्षमा? कि सचमुच वास्तविक क्षमा ये आदान प्रदान वाली नहीं। अब आगे चले ना अपन, आदान प्रदान की बात तो हुई, ये तो परिवार में शुरू ही कर देना क्षमा का आदान प्रदान, इससे बहुत शांति रहती है। ये जो शांति है परिणामों की, ऊपर की शांति नहीं, परिणामों की शांति भी यदि परिवार में क्षमा का आदान प्रदान होगा, प्रायश्चित करेंगे, कभी भूल भी गए तो उसको याद करके मैंने उस दिन आपके प्रति ऐसे कटु शब्द कहे थे, मैं क्षमा चाहता हूं सच्चे मन से, और भविष्य में जहां तक संभव हो नहीं करने की प्रतिज्ञा करें। क्योंकि कोई काम ऐसे होते हैं जो रोज होते हैं, तो इसलिए ये प्रतिज्ञा करें कि यदि कोई काम वास्तव में सदा के लिए छूट सकता है, हम उसको छोड़ सकते हैं, तो हम प्रतिज्ञा करें भविष्य में मैं, अरे उतने ही कांटे बीने हमने अपने कि उतने ही कांटे बीन लिए, उतना ही दुख मिट गया। ऐसी जो व्यवहार क्षमा है उस सबसे पहले जीवन में आती है, यह जानकर कि वास्तविक क्षमा इससे भी ऊपर होती, इतना जाने। इतना जानने के साथ ये व्यवहार क्षमा का रूप हमारे जीवन में प्रविष्ट हो। अब वास्तविक क्षमा क्या है? कि वास्तविक क्षमा तो वास्तव में जिसमें ये आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन उसमें तो इस आदान ये व्यवहार क्षमा से ऊपर जाकर अलग जाकर
जो सद्गुरु के द्वारा बताया गया, भगवान अनंत परमात्मा भी सद्गुरु कहलाते हैं, उनसे बड़े गुरु कौन होते। समोसर में किसी को सम्यक दर्शन हुआ तो गुरु कौन हुए, भगवान। सद्गुरु ने जो बताया, अरे तू चैतन्य परमात्म द्रव्य है, ध्रुव शाश्वत अक्षय और तेरे निधानों का पार नहीं। हमने उन निधानों को देखा है तो हम तुझे गुमराह करेंगे। अरे हमारे पास तो केवल ज्ञान और वितरता है, गुमराह कैसे करेंगे। हमने उन निधानों को देखा है और हम उन निधानों का प्रति समय रसास्वादन करते हैं। हम तुझे कहते हैं तेरे पास वही निधान और वही परमात्मा द्रव्य पड़ा है। एक बार सारे जगत से अलग होकर, अब इस व्यवहार क्षमा से भी अलग होकर, अब ये दयादान पूजा से भी अलग होकर, और अपने उस परमात्म द्रव्य को एक बार देख ले तो उसके साथ तुझे उन निधानों का दर्शन होगा तो तू मोहित हो जाएगा। अरे गजब हो गया, मेरे पास पड़े हुए, मेरे प्रदेश प्रदेश में पड़े हुए अनंत गुण अनंत शक्तियां, अरे इस चैतन्य वाटिका की फुलवारी इतनी मनमोहक है कि उसको एक बार देख लेने के बाद वहां से आने का मन नहीं होता, निकलने का ही मन नहीं होता। ऐसा एक बार उस परमात्मा द्रव्य का पुनः पुनः चिंतन करके, ये तो व्यवहार क्षमा से तो अलग हुए ना, वो तो चलती रही हो, लेकिन वहीं नहीं रुक जाए, उसको तो हे ही जाने, उसमें प्रवृत्ति करते हुए भी वो हे है, क्योंकि आदान प्रदान क्षमा का नहीं होता, इसलिए उसको हे जानकर अब जो वास्तविक क्षमा है उसके निकट जाए। तो वो क्या है वास्तविक क्षमा, कि भले कैसा ही जीव हो, चारों गति वाला कैसा ही जीव, जिसने उस चैतन्य का ऐसा स्वरूप इतना ठोस ज्ञान और आनंद का घन, जो कभी बिखरे नहीं, जिसको कभी चोट नहीं लगे, जिसमें कभी हीना दिखता ना हो, ऐसा वो चैतन्य का स्वरूप उन परम गुरु से सुनकर, सद्गुरु से सुनकर, जिसने उस चैतन्य की अनुभूति की है, ऐसे गुरु से सुनकर। कपड़े उतारने की जरूरत नहीं, कपड़े उतारने से क्या होगा, वो भी वही स्वरूप बताएं। कपड़े पहने वाले को जो अनुभूति होती है चतुर्थ गुण स्थान में, उसको दर्शन मोह का अनंतानंदी का क्षय हुआ, उपशम हुआ अथवा क्षयोक्षम हुआ, वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, उसको कहा है वो अंतरंग निमित्त है उसका उपदेश। ऐसे गुरुओं का उपदेश सुना और उस चैतन्य परमात्मा, अपने चैतन्य परमात्मा और का नहीं, सिद्धों का नहीं, अरंतों का नहीं, जगत का नहीं, अपना जो भीतर पड़ा हुआ है, कभी जिसकी मृत्यु हुई नहीं, कभी जिसका जन्म हुआ नहीं, ऐसे चैतन्य परमात्मा का स्वरूप जानकर, और मैं तो शाश्वत शाश्वत रहने वाला, कभी जिस पर कोई विपत्ति आवे नहीं, ऐसा निरापद तत्व हूं, कोई आदि व्याधि जिसको होती नहीं, जिसमें कभी कोई घटना घटती नहीं, ऐसा अद्भुत चैतन्य तत्व मैं हूं, ये जिसने जाना, उस पर दिखाई देने वाले जगत के भयंकर से भयंकर प्रहार वो हों भले, तो क्या होगा,
वो क्या सोचता है? जिसने उस चैतन्य तत्व को देखा, ऐसा जो घन शाश्वत जन्म मृत्यु रहित सदा जीवंत तत्व और महान विभूतियां जिसके पास समृद्धियां हैं, ऐसा तत्व जिसने देखा, उसकी महिमा आई, उसका रसास्वादन किया, उसको अगर ये बाहर के संकट भी आवे, संकट कहे जाते हैं, है नहीं, क्योंकि उनसे किसी की मौत होती नहीं, ऐसे संकट भी आवे तो उसका चिंतन क्या होता है? तो सारी ये दुनिया कहती है अरे नाश हो गया, नष्ट हो गया, तब ये क्या कहता है? अरे क्या पागलपन की बातें करते, अरे कुछ हुआ ही नहीं, देख लो जो अनादिकाल पहले था वही आज हूं इस संकट के समय, और अनंत काल तक ऐसा ही वही का वही रहने वाला हूं, कोई फर्क पड़ने वाला, भविष्य में मेरे संबंध में ये शब्द मत बोलना, इस पर विपत्ति आ गई, मैं तो बोलूंगा ही नहीं, बोलूंगा नहीं, मैंने मानूंगा नहीं, बोलने को तो कई बातें बोली जाती हैं, राग है ना तो कई बातें बोलता हो तो पागल है राग, तो वो समझता थोड़ा ही है, वो तो बोलेगा ही बोले कुछ भी, तो ज्ञानी को भी बच जाता है, मरते मरते बच जाता है, असली जो था ना उसका प्राण अनंतानुबंधी, वो तो मर गया, वो तो गया, अब तो ये सारे के सारे जड़ चली गई है, जड़ समाप्त हो गई है, और पेड़ पत्ते ये रह गए हैं ऊपर के, सूख जाएंगे निश्चित एक दिन, तो ज्ञानी को कहां फिक्र है कि संसार का अंत कब होगा? अरे जड़ ही कट गई, अब ये कितने दिन का है ये? ऐसा जो ज्ञानी है वो जब ये मानता, जब उसने पहले क्षण में चैतन्य का दर्शन करते हुए ये मान लिया, अरे ये तो कोई अद्भुत जन्म मृत्यु रहित सदा जीवन जीवित रहने वाला ऐसा परम तत्व है, उत्कृष्ट तत्व है, ये जानते ही उसको ये निश्चय हुआ मेरे ऊपर कभी कुछ होने वाला नहीं है। अरे मुझे एक बार अगर प्रलय में बहना पड़े तो भी वो प्रलय मुझे दिखता रहेगा, लेकिन प्रलय का दर्द मुझे नहीं होगा, क्योंकि प्रलय मेरे भीतर पहुंच ही नहीं सकता है, जा ही नहीं सकता है। उसको क्या कहा? ये वास्तविक क्षमा, किसी ने मेरे को कुछ कहा ऐसा माना, तो ऐसा मानने पर भीतर परिणाम आया ना, मुझे कहा, तो क्या चैतन्य को कभी कुछ कहा जाता है और उसका कुछ होता है? कभी नहीं होता, कुछ भी कहे कुछ भी करे कैसी ही घटनाएं घटे, तो चैतन्य का कुछ नहीं होता, मैं तो सदा ही आनंदमय सुखमय सुख की सौरभ में जीने वाला, सदा सुगंधित पवन में रहने वाला ऐसा एक अद्भुत व्यक्ति हूं मैं, ऐसा जिसने माना, तो उसको किसी ने मुझे कुछ कहा, किसी ने मेरे प्रति कुछ किया, ऐसा भाव आएगा? वास्तव में आएगा? वाणी में कभी आवे तो वो बिल्कुल भिन्न बात, ऐसा भाव नहीं आएगा, इसका नाम वास्तविक क्षमा। अरे उसको है ही नहीं, कहते कुछ फीलिंग ही नहीं है, कि उसको फीलिंग ही नहीं, ये कौन से व्यक्ति की बात है? चार गतियों के जिन्होंने आत्मदर्शन किया, ऐसे सम्यक दृष्टि जी, नरक का नारकी भी कहा तो ये जाता है कि वो दुख भोगता है,
असलियत यह है कि वो नरक का सम्य दृष्टि नार की उन नरक के सारे वायुमंडल को केवल देख लेता है, लेकिन यह नहीं मानता कि ये मेरा स्पर्श करता, मेरे भीतर प्रवेश करता है या मेरा मुझे छूता है, यह नहीं मानता। नरक की गर्मी मुझे छूती नहीं, नरक की सर्दी मुझे छूती नहीं, मैं ऐसा प्रूफ तत्व हूं। नरक के वायुमंडल से भी जो प्रूफ है वो तो सारी गतियों में प्रूफ। सम्यक दृष्टि के लिए ये समय हो गया जो लोगों को आकुलता हो रही हूं हैं? विषय तो बाकी है अभी, क्षमावाणी पर्व है, थोड़ा शांति से बैठें। क्या लिखा है सम्यक दृष्टि पुरुष के लिए, एक अंग्रेजी की कविता है सम्यक दृष्टि पुरुष के लिए, तो उसको कहते हैं कि उस पर विपत्ति आई, उस पर संकट आए, नरक में बहुत दुख भोगता है, ऐसा उसके लिए कहा जाता है। कहते हैं सब झूठ है, तो उसके लिए लिखा है कि ही ओनली कैन बिहोल्ड, ये समझ में आता है, वाणी समझ में आती, नहीं तो बंद कर दूं। ही ओनली कैन बिहोल्ड विद अनअफ्राइटेड आईज द हॉरर्स ऑफ द डीप एंड द टेरर्स ऑफ द स्काई। कि ये सम्यक दृष्टि पुरुष का कलेजा है कि वो निर्भय आंखों से, मैंने निर्भय ज्ञान जिसमें भय नहीं है, ऐसे ज्ञान से, वो निर्भय ज्ञान से, निर्भय आंखों से, उसकी आंख तो ज्ञान है, उससे वो इस जगत में आसमान में जो अनेक प्रकार के भयंकर से भयंकर भीषण घटनाएं घटती हैं, और सागर में जो भयंकर से भयंकर तूफान वगैरह आते हैं, उनको निडर होकर अगर कोई देख सकता है तो सम्यक दृष्टि पुरुष देख सकता है, उसको असली क्षमा है, उसको कोई विचार ही नहीं आता, उसको मरण का कोई विचार आता ही नहीं है। विचार मैंने भीतर से उसको लगे, अरे मर जाऊंगा, ऐसा उसको कभी लगता ही नहीं सपने में। बाहर से हो दिखाई दे, बाहर से तो दिखाई दे भले ही, बाहर से तो क्या होता है कि साहब सम्यक दृष्टि भी हमने तो भागते हुए देखे, कोई शेर आ जाए तो भागेगा नहीं क्या? कहते हैं क्या है बात, असल में पहले अज्ञान था ना, उस अज्ञान में ये मानता था कि मैं मर जाऊंगा, तब ये भागता था ना, तो वो भागने का जो संस्कार है वो अभी तक थोड़ा पड़ा हुआ है, इसलिए वो भीतर से न मानने पर भी बाहर से भागता हुआ दिखाई दे। उसको भागना नहीं कहते, क्योंकि वो मानता ही नहीं कि मेरी मौत हो जाएगी। एक बालक है ना, बालक, छोटा बालक, एक वर्ष का बालक, वो एक कमरे में सो रहा है और उसकी माँ वो इधर उधर दूसरे कमरों में काम करने चली गई। जब उसने देखा कि माँ नहीं है तो उसने रोना शुरू किया और बहुत जोर जोर से रोने लगा, और इतने में जब माँ ने सुना कि बहुत जोर से रो रहा है तो वो आ गई और उसे गोदी पर उठा लिया, गोदी में ले लिया, तो उसका रोना बंद हो गया नहीं हुआ, और उसका भय तो समाप्त हो गया, भय तो रहा ही नहीं कि मैं अकेला रह गया और मुझे कोई खा जाए, ऐसा जो भय था वो तो समाप्त हो गया, पर रोना बंद नहीं हुआ।
यही बात सम्यक दृष्टि के साथ है। जो पुराना रोना है वो अभी तक भागने के रूप में, डरने के रूप में देखा जाता है, सचमुच भीतर से वो इनसे दूर है, रीता है। ऐसे तो सम्यक दृष्टि पुरुष होते हैं, उसको वास्तविक क्षमा कहा जाता है, जिसमें फीलिंग ही नहीं हो। अरे सहन तो सारी दुनिया ही करती है। अब सम्यक दृष्टि से आगे मुनीश्वर होते हैं, मुनीश्वरों की क्षमा और अधिक वो आचरण में उतर जाती है। ये तो श्रद्धा और ज्ञान की हुई, आचरण भी आया इसमें, लेकिन वो बढ़ चढ़ कर नहीं। मुनीश्वरों की क्षमा वो तो आचरण में, आचरणशील, और उन पर तो प्रत्यक्ष उपसर्ग आते हुए परिशह, सारे ऋतुओं के परिशह। ऋतुएं होती है ना जिनमें हम घबराते हैं, उन ऋतुओं के परिशह, डांस मच्छरों के परिशह, गर्मी सर्दी बरसात के परिशह और उपसर्ग। कोई वैरी हो, पुराना वैरी, वो तो अपना वैर लेके, अज्ञानी है ना, वैर लेके छोड़ता है, तो सिगड़ियां रखते हैं सिर पर, सिंगनी खाती है, ये सब देखे जाते हैं। तो मुनिराज को क्या होता है, कहते हैं यही सोचते होंगे कि ये तो अज्ञानी है, अपन तो मुनि हैं, इसलिए अपने को स्थिर रहना चाहिए और इसके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए, कि यहां तक तो भावलिंगी मुनि नहीं है वो। कहते क्यों, अरे इतने शांत प्रशांत कुछ कर नहीं रहे उसका, फिर भावलिंगी क्यों नहीं है। कहते उनको ये विचार ही क्यों आया, अभी तो उन्होंने ये मान रखा है कि आत्मा का कभी कुछ होता है और कोई आत्मा का कुछ कर सकता है, अभी तो ये मान रखा है। ये तो अज्ञानी है और मेरे ऊपर ये जो उपसर्ग कर रहा है, तो मैं मुनि हूं इसलिए मुझे क्षमा रखना चाहिए, कि ये क्षमा है ही नहीं। ये तो सम्यक दृष्टि की भी क्षमा नहीं, तो फिर क्षमा क्या हुई। कहते जिन, क्योंकि ये जो विपत्तियां आती हैं वे तो सभी पर आती हैं ना जगत में, तो वो सभी पर जो विपत्ति आती हैं उस समय वे क्या करते हैं, तो सहते हैं। विपत्ति आती है, मनुष्यों पर आती है, तिरिंचों पर आती है, हम देखते हैं रात और दिन सारा पानी बरसता है, गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, ये विपत्ति है या नहीं, आती है। तो वो क्या करते हैं, खड़े रहते हैं, सहते रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य सहते हैं विपत्ति आ जाए तो कहते हैं ये तो ये लोग भी सहते हैं, वे तो मुनिराज हैं, अगर वे भी इसी तरह सहेंगे तो क्या फर्क पड़ा, क्या अंतर हो। इसको सहना कहते ही नहीं है, ये तो अज्ञानी भी सहते हैं इसे, सारा अज्ञानी जगत इसी तरह सहन करता है, इसलिए ये इसको सहन करना नहीं कहते। सहन करना उसको कहा जाता है जो भावलिंगी मुनिराज सहन करते हैं। कहते हैं वो सहन करते हैं, कहते हैं नहीं करते वो, क्योंकि वो मानते ही नहीं कि कोई विपत्ति चैतन्य पर आती और मैं चैतन्य हूं, इसलिए कोई विपत्ति आती ही नहीं। ऐसा जानकर जो उस आए हुए उपसर्ग से, परिचय से बिल्कुल विमुख होकर उस चैतन्य वाटिका में ही विहार करते हुए निरंतर उस अतीन्द्रिय आनंद का पान करते रहते हैं, ऐसा नहीं उसको देखते रहते हूं आई है आई है आई है चली जाएगी, अरे इनको पता भी नहीं चलता ये विपत्ति आई, पता ही नहीं कर। उनको पूछा जाए महाराज बहुत बड़ी विपत्ति है, बहुत बड़ा संकट आए, कहते क्या बोलते हो क्या बोलते हो, फिर से बोलना जब विपत्ति आई मेरे ऊपर, संकट आया, क्या आया था,
अरे बहुत उपद्रव किया उसने, दुष्ट ने बहुत। अरे भाई मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं दूसरे गांव गया था और वहां एक चैतन्य वाटिका है फूलों से लदी हुई, मैं उसमें विहार कर रहा था, उसका आनंद ले रहा था। तुम कहते हो विपत्ति आई, अब आगे ये झूठ मत बोलना। तुम मुनिराज का स्वरूप नहीं जानते। तो फिर साहब उपसर्ग दूर नहीं करें अगर देखें तो? नहीं करोगे तो क्या करोगे? कि मरने दो, ऐसा करोगे? दो ही तो भाव आएंगे, या तो शुभ भाव आवे या अशुभ आवे। इसलिए ऐसा अवसर हो अवश्य अवश्य मुनिराज के प्रति अपने से जो बने वो रक्षा के उपाय करना, लेकिन यह नहीं मानना कि मुनिराज ऐसे होते। मुनिराज तो ऐसे समय में भी भीतर आनंद वाटिका में विहार करते हैं, उपसर्गों के दुख का जो सहन है, उपसर्ग के दुखों का जो अनुभव है वो उनको होता ही नहीं, होता ही नहीं, बल्कि इतना है कि उनको पता ही नहीं कि उपसर्ग हो रहा है। इसको सहन करना कहते हैं। सहन किया? पता ही नहीं चला कौन सहन कर। मिलेगा कहीं दिगंबर दर्शन के सिवाय मिलेगी ये बात कि ऐसे भी पुरुष होते हैं क्या जगत में? ऐसे भी होते हैं जगत में पुरुष? अरे होते क्या हैं, जीवंत देखो, ये ऐसे पुरुष हैं। क्योंकि लोगों को कल्पना नहीं होती कि ऐसा भी कोई पुरुष, ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है। ऐसे ही सारे संकटों से प्रूफ कि जिनके भीतर उनका प्रवेश ही नहीं होता और निरंतर जो आनंद वाटिका में ही निरंतर विहार करते हैं, मैं शुद्ध चैतन्य निरापद सर्व विपत्तियों से संकटों से रहित ध्रुव और शाश्वत और अनंत समृद्धिशाली तत्व हूं, ऐसी निरंतर जिनको अनुभूति होती है ऐसे महामुनिराज परम क्षमावंत हैं। ये निश्चय क्षमा, सम्यक दृष्टि की भी निश्चय क्षमा आंशिक, और ये उत्तम क्षमा, ऐसे उत्तम क्षमा के धारक महामुनिराज। इसका क्षमा का स्वरूप, ये क्षमा का स्वरूप देखना हो तो वीतराग शांत प्रशांत मुनिराज में देखो, प्रति समय देखो। वो स्वयं कहते हैं, मुनिराज स्वयं कहते हैं, कहते हैं ये जो जगत की विपत्तियां राग द्वेष पुण्य पाप मोह आदि के भाव, ये हमारे भीतर हैं ही नहीं, दूर रहते हैं सदा हमसे। हम तो निरंतर हमारे हृदय कमल में स्थित उस शुद्ध चैतन्य का निरंतर अनुभव करते हैं। इसका नाम क्षमा, जिसमें कभी कष्ट का अनुभव, किसी से क्षमा मांगने का, किसी को क्षमा करने का भाव ही नहीं होता। ऐसे परम क्षमावंत, वास्तविक क्षमावंत, निश्चय क्षमावंत भगवान वीतराग भावलिंगी मुनिराज कुंद कुंद जैसे अमृतचंद्र जैसे होते हैं, उनको हमारा अनंत अनंत प्रणाम है।